ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पोजीशन आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, मेरा भी मौकफ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है, सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात, मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन यह है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रैवेस्टी कहिए क्या कहिए किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट, फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहाँ पर रहती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मेरा जो क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का डिमोलिशन का कि वो कानून के ख़िलाफ़ था, तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला आता बताइए आप, फैसला क्या आता नहीं मालूम मुझे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या? सुनिए सुनिए, और 5 एकड़ ज़मीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है, हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है, मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक़ के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की, हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगूं लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ ज़मीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से भीख की ज़रूरत नहीं है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की ज़मीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे। मेरी ज़ाती राय है कि हमको 5 एकड़ के उस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है, ये किसने कहा था? ये जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्वा जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहाँ पर मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको, और फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहाँ पर। अब ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया ये बड़ा गैर मामूली है। मुझे क्या राइट नहीं है ये कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ? क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाज़त नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है मुझे? और मैं बताना चाह रहा हूँ संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे, मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी, एनआरसी सिटीज़न अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूँ जिनको हिंदुस्तान पर नाज है और फ़ख्र है, यकीनन आपको मुझसे नफरत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर,
مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات سچ ثابت ہوگی۔